नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेना झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको दिखाते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक। अमेरिका के कैंसिस में भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या, 32 साल के श्रीनिवास कुचित भोतला को बार में गोली मारी। हैदराबाद के रहने वाले थे श्रीनिवास, हमलावर एडम क्यूरिंटन ने गोली मारने से पहले कहा मेरे देश से बाहर निकलो। कैंसिस में हुई फायरिंग में दो और लोग भी घायल हुए, घायलों में से एक श्रीनिवास का दोस्त आलोक मदासनी भी है। घटना के बाद भारतीय वाणिज्य दूतावास के जनरल आरजी जोशी और वाइस काउंसिल हरपाल सिंह कैंसास जा रहे हैं, श्रीनिवास के पार्थिव शरीर को भारत पहुंचाने की व्यवस्था करें। कैंसिस फायरिंग मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर दुख जताया है। सुषमा ने श्रीनिवास के दोस्त के अस्पताल से डिस्चार्ज होने की भी जानकारी। एमसी के नतीजे आने के बाद शुरू हुई बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट, सूत्रों के मुताबिक ढाई ढाई साल के लिए मेयर की कुर्सी पर सहमति संभव। एमसी चुनाव में शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं, बहुमत का आंकड़ा 114 का। गठबंधन पर बीजेपी और शिवसेना खुलकर कुछ भी कहने से इतना मना कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे का दावा शिवसेना का ही होगा अगला मेयर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कांग्रेस पर निशाना, कहा नोटबंदी का विरोध करना महंगा पड़ा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताया, कहा पारदर्शिता और नोटबंदी को जनता का समर्थन। उड़ीसा और महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन पर बीजेपी मनाएगी जश्न, कल देश के सभी जिलों में विजय उत्सव दिवस। मुंबई में एमएनएस के पार्षद पर जानलेवा हमला, संजय तुर्डे समेत 3 लोग घायल। यूपी में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 61% मतदान, कल 12 जिलों की 53 सीटों पर वोट डाले गए थे। यूपी में पांचवें दौर के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी, आज गोंडा में पीएम की विजय शंखनाद गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की यूपी में 4 रैलियां, आजमगढ़, बलिया, मऊ और गोरखपुर में जनसभा। आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह की यूपी में 5 रैली, वहीं यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की 4 जगह पर चुनावी सभा। यूपी के बलिया में रैली के दौरान मंच पर ही सोते दिखे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू दे रहे थे भाषण। यूपी के फैजाबाद में आजम खान ने मुसलमानों को किया आगाह, कहा पीएसपी को किसी कीमत पर वोट न देना। दिल्ली के विकासपुरी में एक रेस्टोरेंट में आग की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई, 3 घायल। बिहार में पेपर लीक केस में बीएसएससी के अध्यक्ष सुधीर कुमार गिरफ्तार, एसआईटी ने हजारीबाग से किया है दोनों को गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के परगवाल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, एक घुसपैठिया ढेर, कठुआ में पकड़ा गया एक पाकिस्तानी घुसपैठ। आज एआईडीएमके की दिवंगत नेता जयललिता का 69वां जन्मदिन, चेन्नई में पार्टी के डिप्टी सचिव दिनाकरन और सीएम पलनीसामी ने श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का एक नया वीडियो सामने आया है, सूत्रों के मुताबिक वीडियो में लश्कर और हिजबुल के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। रामजस कॉलेज हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस के 3 जवान सस्पेंड, छात्रों पर दंगा भड़काने का केस दर्ज। एबीवीपी और आयशा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत की जांच करेगी क्राइम ब्रांच, पुलिस कमिश्नर ने दिया आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कॉलेज कैंपस में रक्षा का भरोसा दिया है, ट्विटर पर जानकारी। आयशा के छात्रों ने दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन किया, छात्रों की पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रामजस कॉलेज हिंसा पर गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आजादी के नाम पर देश विरोधी नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। अरुणाचल के दिवंगत सीएम कलिको पुल की पत्नी ने वापस ली सुप्रीम कोर्ट से याचिका, कहा जांच के प्रशासनिक आदेश की मांग की थी लेकिन अदालत ने सुनवाई शुरू कर। यूपी के हाथरस में एक नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी से परेशान होकर सीएम को लिखा खत, कहा कार्रवाई नहीं हुई तो जान दे दी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधायकों को विवादित बयान से बचने की सलाह दी है, कहा परेशानी हो तो उचित प्लेटफॉर्म पर रखें अपनी बात। एमपी के खरगोन में 38 स्कूली बच्चों की तबीयत खराब, स्कूल में जंगली पौधे की वजह से बीमार हुए बच्चे। दिल्ली मुंबई समेत 7 एयरपोर्ट पर हैंडबैग पर सिक्योरिटी टैग की जरूरत नहीं, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोची में भी लागू होगा नियम। ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ नोटिस भेजना पुलिस को पड़ा महंगा, ईओडब्ल्यू के दफ्तर के बाहर कूड़े का ढेर। यूपी के काशीपुर में 2 शराबियों का उत्पात, ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट। यूपी के पीलीभीत में ओवरलोडेड ट्रक ने छात्र को कुचला, छात्र की मौके पर ही मौत, ट्रक ड्राइवर फरार। यूपी के हरदोई में बस ओवर वैन के बीच टक्कर हो गई, 7 की मौत, 5 घायल।
देश भर में मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्यौहार, शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। मां शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में आरती, सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिर को खास तरीके से सजाया भी गया है। मां शिवरात्रि के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में राजनाथ सिंह ने की पूजा, योगी आदित्यनाथ भी थे मौजूद। राजस्थान के कोटा में 14 टन और 11 फीट की विशाल शिव मूर्ति का लोगों ने किया दर्शन, एक साथ 525 शिवलिंग किया गया यहां पर जलाभिषेक। भक्ति में डूबी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, गूंजा हर हर महादेव का नारा। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि की रौनक, बाबा वैद्यनाथ की हो रही है पूजा। मुंबई में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है शिवरात्रि का त्यौहार, मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के फिरोजाबाद में शिवरात्रि की धूम, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं की कतार। जम्मू के शिवखोरी गुफा में शिवरात्रि के मौके पर महाआरती, सैकड़ों लोग इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। पुरी के सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई शिव की आकृति, दुनिया को दिया शांति का संदेश। यूपी के संभल में भगवान भोलेनाथ का अनूठा शिव मंदिर, शिवलिंग पर फूल, दूध और बेलपत्र के साथ झाड़ू भी अर्पित करते हैं। 3 मई को खुलेंगे भगवान केदारनाथ के कपाट, 8:50 के बाद श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। फरुखाबाद में युवक ने लड़की को मारी गोली, लड़की अस्पताल में भर्ती, पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी करता था छेड़छाड़। दमोह में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर जानलेवा हमला, एक की मौत, दूसरा भाई घायल। यूपी के शाहजहांपुर में एटीएम से निकले 2000 के नकली नोट, बैंक कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप, लोगों ने किया हंगामा। लखनऊ में राजभवन कॉलोनी के पास आग से अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। कानपुर में आग से 35 घर जलकर राख हो गए, आग की चपेट में आकर एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया, भारी नुकसान की भी आशंका। पश्चिम बंगाल के मालदा में नकल कराने वालों पर लाठीचार्ज, पुलिस पर हुए पथराव। दिल्ली एनसीआर में ओला और उबर के ड्राइवर्स की हड़ताल पूरी तरह से खत्म, मांगों पर अमल नहीं हुआ तो ड्राइवर फिर से करेंगे हड़ताल। पाकिस्तान की जेल में बंद नानक चंद की रिहाई के लिए कोशिशें तेज, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने की पहल, मंगाए दस्तावेज। सतलुज यमुना लिंक नहर मामले में पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील, पानी की मांग को लेकर नहर तोड़ने पहुंचे INLD कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। INLD के नेता अभय चौटाला का बयान, कहा पंजाब से हरियाणा आने वाले नेताओं की गाड़ियों की हवा निकाल दें। पंजाब फरीदकोट जेल का बिजली कनेक्शन काटा गया, जेल पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की बिजली बिल का बकाया अभी भी है। मेरठ में कांग्रेस सांसद की पत्नी के नाम पर ठगी, सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के 7 जिलों में जल्द शुरू होगी स्थायी लोक अदालत, कानून और वित्त विभाग ने दिया आदेश। MP के बड़वानी में DM ऑफिस क्वार्टर में व्यक्ति ने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की और इसके लिए जिम्मेदारी का भी आरोप लगाया। राजस्थान के उदयपुर में छेड़खानी से परेशान लड़की ने मनचले की पिटाई कर दी, बाद में लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। राजस्थान के धौलपुर जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, नवजात बच्चा गंदे पानी की बाल्टी में गिरा, बच्चे की हालत गंभीर। उदयपुर में रुचिता जैन मर्डर केस के मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत, 8 मार्च तक कस्टडी में रहेगा दिव्य कोठारी। 251 रुपए में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली कंपनी का डायरेक्टर मोहित गोयल गिरफ्तार, लाखों की धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली पुलिस ने नमस्ते कहकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ लिया है, 70 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुके। लखनऊ की बैडमिंटन एकेडमी में कई अधिकारियों पर यौन शोषण के आरोप, महिला खिलाड़ियों की शिकायत पर केस दर्ज। पंजाब के जालंधर में 2 महिलाओं की हत्या, वारदात की जगह से 2 कारतूस बरामद, हत्या क्यों की गई इसकी तफ्तीश जारी। लखनऊ में 5 साल की बच्ची की हत्या, पारिवारिक रंजिश के चलते बदमाशों ने किया हमला। यूपी के बुलंदशहर में एक व्यक्ति का मिला शव, नहीं हो पाई पहचान, हत्यारे का सुराग। ग्रेटर नोएडा में शराब पीने से रोकने पर पत्नी की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। हैदराबाद की एक्टिविस्ट ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया, शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस दर्ज। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में व्यक्ति ने चलती ट्रेन से TTE को फेंका, बिना टिकट यात्रा करने पर लगातार जुर्माना। हरियाणा के रेवाड़ी में पति ने पत्नी गोली मारी, दोनों के बीच चल रहा था तलाक को लेकर। झारखंड के धनबाद में 3 लाख रुपए की लूट, बैंक में पैसे जमा कराने के दौरान वारदात। MP के इंदौर में 4 साल की बेटी की हत्या के बाद माने की खुदकुशी, बीमारी से थी परेशान। झारखंड के रांची में ट्रक ड्राइवर की हत्या, आपसी रंजिश का शक, आरोपी फरार।
उड़ीसा के टाइगर रिजर्व से तस्कर गिरफ्तार, तेंदुए की खाल के साथ पकड़े गए। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल की शुरुआत, 21 जिलों के कारोबारी ले रहे हैं इसमें हिस्सा। महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल, दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस को महिला पायलट ने चलाया। यूपी के सहारनपुर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की तलाश, एएसआई ने हिंडन नदी किनारे गांव में लगाया कैंप। इंदौर में हाथियों की दुर्दशा पर कोर्ट में याचिका, सड़क पर सार्वजनिक रूप से घुमाने पर रोक लगाने की मांग। पाकिस्तान के लाहौर में बम धमाका, 8 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। चीन के हुबई में फायर फाइटर्स ने दिखाया गजब का साहस, जान जोखिम में डालकर इमारत से जलते हुए गैस टैंक को बाहर निकाला। इंग्लैंड में टला एक बड़ा हादसा, एम्स्टर्डम जा रहे प्लेन का लैंडिंग गियर खराब हो गया, करानी पड़ी क्रैश लैंडिंग। ब्रिटेन में डोरिस तूफान की वजह से तबाही, हवा में उड़ा मलबा, महिला पर गिरा, अस्पताल में भर्ती। बेल्जियम में तेज हवा के चलते सभी पार्क बंद, कई इलाकों में 95 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आते। आईएमएफ के पूर्व अध्यक्ष रोड्रिगो राटो को 4.5 साल की कैद, कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल व्यक्तिगत खर्च में किया। मेक्सिको कार्निवल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी, अमेरिका और मेक्सिको के बीच दीवार बनाने के फैसले का विरोध। परमाणु हथियारों के मामले में किसी भी देश से पीछे नहीं रहेगा अमेरिका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बयान। इराकी सेना को अहम कामयाबी, आईएसआईएस को खदेड़कर मोसुल एयरपोर्ट पर किया कब्जा। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 260 रन पर पहली पारी खत्म, उमेश यादव ने 4 और अश्विन ने लिए 3। पहली पारी में भारत को भी लगे 3 छक्के, 52 रन के स्कोर पर मुरली विजय, पुजारा और कोहली आउट। स्क्रीन पर रंगून ने दी दस्तक, विशाल भारद्वाज की फिल्म में रंगून, कंगना के साथ शाहिद और सैफ ने किया एक्ट। एक्टर गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो, अब 16 मार्च को पर्दे पर आएगी, पहले 24 फरवरी को होने वाली थी रिलीज। इरफान खान ने प्रतिबंधित बांग्लादेशी फिल्म धूम नो बेड ऑफ रोजेस का पहला लुक किया जारी, को प्रोड्यूसर हैं इरफान।